ई इज़ वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन मैंने यहाँ हाजिर हूँ हमारी जनरल टेस्ट सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ इन वीडियोज़ में हम आपको हर रोज़ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करवाते हैं जो कि आपके जनरल टेस्ट सी ई वी टी के जनरल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई वुड सजेस्ट की यू गो बैक टू आवर चैनल यू विजिट आवर चैनल एंड वहाँ पर आपको एक मिलेगी प्ले लिस्ट जिसके अंदर ये सारी की सारी वीडियोज़ हैं ठीक है, है? ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं है अराउंड टेन टू इलेवन वीडियोज़ हैं तो आई थिंक अगर आप वो वो सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज बेस बन जाएगा एंड इट वुड बी हेल्पफुल टू डू फर्दर वीडियोज़ ठीक है एंड डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डो नॉट मिस द अपकमिंग वीडियोज ठीक है तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोकसभा इज सुपीरियर टू राज्यसभा बिकॉज ए इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बी इट अलोन कंट्रोल्स द पर्स सी इट कैन आउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डी ऑल ऑफ देम यहाँ पर आंसर क्या है ऑल ऑफ देम ठीक है लोकसभा जो है वो राज्यसभा से superior होती है ठीक है वो इन सारे reasons की वजह से उससे बड़ी होती है Next question. The Supreme Court consists of a Chief Justice and सेवन जजेस ट्वेंटी फाइव जजेस एलेवन जजेस थर्टी थ्री जजेस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा और कितने जज होते हैं And here the answer is thirty-three judges. Okay, next question: The judges of Supreme Court hold office till they attain the age of sixty-two years, sixty-five years, seventy years. No age limit. And the answer is sixty-five years. Okay, next question: At present, the Chief Justice of India draws a monthly salary of two lakh 1 lakh thirty thousand, one lakh, one lakh forty thousand.

प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है विच इज वाई गवर्नर को सेंटर का एजेंट बोला जाता है इन स्टेट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ स्पीकर वाइस प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ठीक है पर यह भी तभी हो सकता है जब कौन रिकमेंड करेगा एंड द आंसर इज प्रेजिडेंट ठीक है प्रेजिडेंट के रिकमेंडेशन पे मनी बिल इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है और कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है ये स्पेसिफाई करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है स्पीकर के पास होता है ठीक है मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर इन टू ईयर्स मंथ टू ईयर्स इलेवन मंथ एंड एटीन डेज थ्री ईयर्स सिक्स मंथ टेन डेज नन ऑफ दीज एंड द आंसर इज टू ईयर्स एलेवन मंथ एंड एटीन डेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लेड डाउन ऑन जनवरी ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टी सेवन दिसंबर नाइन नाइनटीन फोर्टी सिक्स नवम्बर सिक्स नाइनटीन फोर्टी नाइन जनवरी ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी इसका आंसर क्या है इसका आंसर है जनवरी ट्वेंटी सिक्स नाइन्टीन फिफ्टी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एमनेस और जनरल पार्डन इज गिवन बाय एमनेस्टी यानी कि माफ़ कर देना बेसिकली जो आपने क्राइम किया है या फिर जिसके वजह से आप सज़ा भुगत रहे हैं उसे माफ़ कर देना ये किसके द्वारा किया जाता है गवर्नर प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट या फिर चीफ जस्टिस एंड द आंसर इज प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट इज दी ओनली अथॉरिटी इन द कंट्री हुज़ द पावर टू ग्रांट एमनेस्टी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है इंडिया में जिला परिषद नगर पंचायत ग्राम सभा क्षेत्र पंचायत आंसर इज ग्राम सभा ओके ग्राम सभा क्या है इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नेक्स्ट पंचायत पंचायती राज सिस्टम हैज एन इंटरमीडिएट सॉरी फिर से स्टार्ट करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर इलेवन इज़ पंचायती राज सिस्टम हैज़ एन इंटरमीडिएट टीयर नोन एज़ ग्राम पंचायत जिला परिषद सरपंच पंचायत पंचायत समिति इसका आंसर क्या है पंचायत समिति ठीक है मतलब जो तीन टीयर्स होते हैं ना पंचायत के तो उसमें से जो इंटरमीडिएट वाली होती है उसे पंचायत समिति कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट पेस्ट मेकर इज इन किडनी हार्ट लंग या फिर लिवर पेस अगर अगेन ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं तो दिस इज़ अ रिविजन फॉर यू एंड द आंसर हेयर इज हार्ट ठीक है नेक्स्ट द रेड कलर ऑफ राइट टोमेटोज इज ड्यू टू क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट हीमोग्लोबिन या फिर वाइटमिन इसका आंसर क्या होगा क्लोरोप्लास्ट ठीक है क्लोरोप्लास्ट में एक रेड पिगमेंट पिगमेंटेशन होता है जिसको लाइकोपीन कहा जाता है ठीक है उसकी वजह से टमेटोज़ आर ऑफ रेड कलर ठीक है बट सेंस यहाँ पर लाइकोपिन ऑप्शन नहीं दिया है तो वी वुड टेक क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट ग्रीन कलर ऑफ लीव इज़ ड्यू टू पत्तियों का हरा कलर क्यों होता है क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट की वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से या फिर किसी की वजह से भी नहीं इसका आंसर क्या है क्लोरोफिल ठीक है आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी नोइंग दिस नेक्स्ट क्वेश्चन रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू आर बी सी डब्ल्यू बी सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन इसका आंसर है हीमोग्लोबिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग स्लीप अ मैंस ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज डिक्रीजेज नो चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट सोते हुए एक इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है घटता है कोई चेंज नहीं होता है या फिर बराबर रहता है इसका आंसर क्या है डिक्रीजेस ठीक है अमैंस ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस यानी गिर जाता है नेक्स्ट ऑल एसिड कंटेंस द एलिमेंट हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर आंसर इज हाइड्रोजन ठीक है तभी तो डिस जब डिसोसिएशन होता है एसिड्स का तो प्लस आयन्स निकल जाते हैं ठीक है थीके? इसलिए सारे के सारे एसिड्स में क्या होता है प्लस आयन नेक्स्ट वाइटामिन सी इज अस्कॉर्बिक एसिड असैटिक एसिड टार्टरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड इसका आंसर है अस्कॉर्बिक एसिड ठीक है नेक्स्ट विथ सब्सटेंस कैन बी यूज बाय एज अनस्थेटिक ए हीलियम बी कार्बन डाइऑक्साइड सी क्लोरीन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका आंसर क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड ठीक है इसे अनेस्थीशिया किस तरह भी यूज किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिव सोडियम इज यूज फॉर डिटेक्टिंग इन वाटर ट्रीटिंग थायरॉयड डिजीज डिस्ट्रॉय कैंसर ग्रोथ डेटिंग फॉसल्स आंसर इज ट्रीटिंग थाइरॉयड डिजीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द कलर ऑफ आउटर एज ऑफ रेनबो इज पर्पल रेड वायलेट ग्रीन इसका आंसर क्या होगा रेड ठीक है इनर वाली एज का कलर क्या होता है वायलेट नेक्स्ट क्वेश्चन एट अबाउट फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अ बॉडी यूनिट लाइट रेड वाइट इंफ्रा रेड यू वी रेज Answer is infrared. Okay. Next question. Alfred Noble is linked with dynamite, cement, nobility, welding. Alfred Noble personality related. And the answer here is dynamite. Okay. He is related with the invention of dynamite. Next. Who discovered treatment of malaria? Ronald Ross, Kosh, Lawrence, and Jenner? आंसर क्या, 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 क्या है रोनल्ड रॉस ठीक है इन्होंने क्या डिस्कवर किया था मलेरिया का ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स रोनल रॉस कॉश लैम जेनर आई थिंक ये मोस्टली नोन होगा इसका आंसर क्या है जेनर ठीक है जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज रिलेटेड विथ आइंस्टाइन थॉमस डाल्टन या फिर थॉमसन आप इसका आंसर हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ आर वीडियो आई होप यू हैव इंजॉयड दिस वीडियो एंड हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल इट हेल्प्स अर लॉट एंड इट मीन्स दैट वी आर बींग अप्रिशिएटेड वी जस्ट वॉन्ट यू टू एक्सेल इन योर एग्जाम सो प्लीज़ डो नॉट मिस एनी ऑफ द अपकमिंग वीडियोज ओके ऑल द बेस्ट फॉर यू सी यू वी बाय बाय